वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लेके आए हैं आपके सामने। सर आज क्या करने वाले हैं हमें और आज हम क्या क्या सामान हमारे पास आए हैं? सर आज हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन है और सर एक सिंपल अखबार का कपड़ा है अपने पास। ऐसी इतनी चीज़ें हमें चाहिए, ड्रॉपर ले रखा है हमने। आज बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। आज हम इसको आग लगाएंगे कागज को बिना माचिस के, बिना किसी माचिस के, मतलब केमिकल रिएक्शन से हम आग लगाने वाले हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ताप निकासी क्रिया होती है जिसमें हीट बाहर निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ताप निकासी क्रिया बोलते हैं। तो ताप निकासी क्रिया हम लोग करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें इस तरह शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा इसमें पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे पहले, तो हम अब ग्लिसरीन ड्रॉपर की सहायता से इसमें डालेंगे। ध्यान से करना आपको, क्योंकि आग वाला है, अपने आप नहीं करना, टीचर दिया पेरेंट्स के अलग से करना। तो अभी इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो रही, थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट और डाल देंगे इसमें। आप देखिए इसमें कुछ होने वाला है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर में। ये देखिए इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है और अभी इसमें अभी आप देखिए आग भी लग जाएगी। थोड़ा ध्यान से करना आपने इसको, यू कैन सी सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दरअसल में हुआ क्या हुआ, ये कि जो पोटाशियम परमैंगनेट होता है वो बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एयर को छोड़ ऑक्सीजन को छोड़ देता है। और क्योंकि ये रिएक्शन जो थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, तो ऑक्सीजन जो है वो आग पकड़ लेता है और इससे ही आग लगता है। वो बच्चों को समझ आएगा। तो ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए आप जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ।